हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनेक्स में सीडी कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। बट उससे पहले आइए समझते हैं कि सीडी कमांड का क्या यूज़ है। तो सीडी कमांड स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी और फोल्डर। तो सीडी कमांड का मतलब है चेंज डायरेक्टरी या फिर फोल्डर। तो यूनिक्स या लाइनेक्स में डायरेक्टरी को फोल्डर भी कहते हैं। तो दिस कमांड इज यूज टू चेंज द करेंट डायरेक्टरी, दैट इज द डायरेक्टरी इन विच द यूजर इज करेंटली वर्किंग इन लाइनेक्स। तो इस कमांड को हम यूज करते हैं करंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। दैट मीन्स कि यूनिक्स या लाइनेक्स पे जब फर्स्ट टाइम हम लॉग इन करते हैं तो हम किसी न किसी डायरेक्टरी में आ जाते हैं। तो उसे करंट डायरेक्टरी बोलते हैं। तो उस करंट डायरेक्टरी से किसी अदर डायरेक्टरी में अगर जाना हो तो उसके लिए हम सीडी कमांड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है चेंज फ्रॉम होम डायरेक्टरी टू अदर डायरेक्टरी यू वांट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि होम डायरेक्टरी या फिर करंट डायरेक्टरी को ही होम डायरेक्टरी बोलते हैं। तो होम डायरेक्टरी से हम किसी अदर डायरेक्टरी में कैसे जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब हम लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करते ही किसी ना किसी डायरेक्टरी में चले जाएंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि हम किस डायरेक्टरी में है। तो उसे चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड है PWD कमांड, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड। तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड जो है ये बताता है कि आप करंटली किस डायरेक्टरी में हो। तो PWD कमांड से हम वो चेक कर लेंगे और इसके बाद फिर LS कमांड से हम चेक करेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी फाइल्स और कौन कौन सी डायरेक्टरी है। और इसके बाद फिर किसी एक डायरेक्टरी को चूज करेंगे और उस डायरेक्टरी को चेंज कर देंगे, मतलब करंट डायरेक्टरी से उस डायरेक्टरी में चले जाएंगे जिस डायरेक्टरी को हमने चूज किया है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले टाइप करेंगे CD, इसके बाद स्पेस और फिर डायरेक्टरी का नाम, यानी कि वो डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी में आप जाना चाहते हो। और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हम उस डायरेक्टरी में चले जाएंगे जो डायरेक्टरी हमने चूज की है। अब ये चेक करने के लिए कि वो डायरेक्टरी में है या नहीं है तो PWD कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बताएगा कि अभी आप किस डायरेक्टरी में हो। और इसके बाद फिर उस डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए CD स्पेस दो बार डॉट टाइप करेंगे तो हम उस डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे। और फिर दोबारा चेक करने के लिए कि अब हम करंट किस डायरेक्टरी में है तो PWD कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो बताएगा करंटली आप किस डायरेक्टरी में हो। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो ये हमारा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया है। तो अभी जो है लॉग इन करते ही मैं किसी ना किसी डायरेक्टरी में हूँ। तो अब मुझे चेक करना है कि अभी मैं किस डायरेक्टरी में हूं। तो मैं टाइप करूंगा PWD कमांड और एंटर प्रेस करूंगा। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो अभी जो हूं मैं करंटली अनिल नाम के होम डायरेक्टरी में हूं। अब इस अनिल नाम के होम डायरेक्टरी में मुझे चेक करना है कि कौन कौन सी फाइल्स है और कौन कौन सी डायरेक्टरी है। तो इसके लिए मैं ls कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो ls एंटर, ये मैंने ls कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ब्लू कलर में जितने भी फाइल्स है वो सारी की सारी डायरेक्टरी है, बाकी सारे फाइल्स है। अब जो है यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टरी है, राज नाम की एक डायरेक्टरी है, राजेश नाम की एक डायरेक्टरी है, रवि नाम की एक डायरेक्टरी है। तो अब जो है हम अपने प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से, अभी जो हम है राइट नाउ, अभी हम अनिल नाम के होम डायरेक्टरी में है। तो इस अनिल नाम के होम डायरेक्टरी से अब मुझे किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, जैसे कि राज डायरेक्टरी में जाना है। तो मैं टाइप करूंगा CD स्पेस
राज और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये मैं राज नाम की डायरेक्टरी में आ गया। अब मुझे चेक करना है कि मैं राज नाम की डायरेक्टरी में हूं या नहीं हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पीडब्ल्यूडी कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा, तो पीडब्ल्यूडी और एंटर प्रेस करूंगा। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे स्लैश होम स्लैश अनिल स्लैश राज का मतलब ये है कि अभी आप करेंटली राज नाम की डायरेक्टरी में हो। अब मुझे इस राज नाम की डायरेक्टरी से बाहर आना है, तो मुझे टाइप करना है सीडी स्पेस और 2 बार डॉट 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 और एंटर प्रेस करनी है। तो ये मैं अपने राज नाम की डायरेक्टरी से मैं बाहर आ गया, और अभी मैं किस डायरेक्टरी में हूँ ये चेक करने के लिए हम टाइप करेंगे PWD और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब मैं अनिल नाम के होम डायरेक्टरी में दोबारा आ गया। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, CLEAR क्लियर। और अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट जो है वो है चेंज फ्रॉम होम डायरेक्टरी टू एनी डायरेक्टरी एंड देन एनी सब डायरेक्टरी। तो अब हमें क्या करना है कि अपने होम डायरेक्टरी से, अपने अनिल नाम के होम डायरेक्टरी से मुझे किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, और उस डायरेक्टरी से फिर उसके अंदर बनी हुई सब डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir कमांड से। तो mkdir स्पेस dir1, ये मेरा डायरेक्टरी का नाम है। तो इससे क्या होगा कि एक dir1 नाम की एक डायरेक्टरी बन जाएगी, और इसके बाद फिर चेक करेंगे कि dir1 नाम की डायरेक्टरी बनी है या फिर नहीं बनी है। तो इसके लिए मैं ls कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये बताएगा कि dir1 नाम की डायरेक्टरी बनी है या नहीं बनी है। अब मैं क्या करूंगा, इस dir1 नाम की डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बनाऊंगा सब dir1। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, mkdir स्पेस dir1 बैक स्लैश और फिर एक डायरेक्टरी का नाम दूंगा सब dir1 और एंटर प्रेस करूंगा। तो dir1 के अंदर एक सब dir1 नाम की एक डायरेक्टरी फिर से बन जाएगी। और इसके बाद फिर pwd कमांड से मैं चेक करूंगा कि करंटली मैं किस डायरेक्टरी में हूं, और इसके बाद फिर जो है डायरेक्टरी 1 में मुझे जाना है, तो cd स्पेस dir1 करके एंटर प्रेस करूंगा, तो डायरेक्टरी 1 में चले जाएंगे। फिर pwd कमांड से चेक कर लेंगे कि डायरेक्टरी 1 में आए हैं या नहीं आए हैं। इसके बाद फिर cd कमांड को टाइप करके सब dir1 नाम के डायरेक्टरी में जाना है, तो cd स्पेस सब dir1 एंटर प्रेस करेंगे, तो सब dir1 नाम की डायरेक्टरी में आ जाएंगे। और pwd कमांड से चेक कर लेंगे कि सब dir1 नाम की डायरेक्टरी में है या नहीं है। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir, mkdir और dir1, ये डायरेक्टरी का नाम है और ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो एक डायरेक्टरी बन गई dir1 नाम से। इसके बाद मुझे चेक करना है कि ये डायरेक्टरी बनी है या नहीं बनी है, तो मैं टाइप करूंगा ls और एंटर प्रेस करूंगा। तो ब्लू कलर में यहाँ जितनी भी फाइल्स है वो सारी की सारी डायरेक्टरी है, तो dir1 हमारी एक डायरेक्टरी बन गई है। अब इस dir1 के अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, mkdir स्पेस dir1 और फिर बैक स्लैश के साथ मुझे एक डायरेक्टरी का नाम देना है, तो इस dir1 के अंदर एक डायरेक्टरी बन जाएगी। तो मैं नाम दे देता हूँ sub सब dir1, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सब dir1 और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये dir1 नाम की डायरेक्टरी में सब dir1 नाम की डायरेक्टरी हमारी बन गई है।
अब मुझे ये चेक करना है कि करंटली मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, तो PWD कमांड से मैं चेक करूँगा। तो करंटली अभी मैं अनिल नाम के होम डायरेक्टरी में हूँ, तो अब मुझे DIR1 नाम की डायरेक्टरी में जाना है। तो मैं टाइप करूँगा CD स्पेस DIR1 और एंटर। तो अभी मैं डायरेक्टरी वन में आ गया, DIR1 नाम की डायरेक्टरी में अभी मैं आ गया। तो इसको चेक कैसे करेंगे, PWD और एंटर। तो ये बता रहा है स्लैश होम स्लैश अनिल स्लैश DIR1, इसका मतलब है कि करंटली आप अभी DIR1 नाम की डायरेक्टरी में हो। अब मुझे इस DIR1 नाम की डायरेक्टरी के अंदर जो अभी हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी सब DIR1, मुझे उसमें जाना है। तो मैं टाइप करूंगा CD स्पेस सब DIR1 और एंटर प्रेस करूंगा। तो अब जो है मैं सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आ गया। इसको चेक कैसे करेंगे, PWD कमांड से और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये दिखा रहा है स्लैश होम स्लैश अनिल स्लैश DIR1 और स्लैश सब DIR1, इसका मतलब है कि अब जो है हम करंटली सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी में हैं। तो ये था कि हम होम डायरेक्टरी से किसी अदर डायरेक्टरी में कैसे जाएंगे और फिर उस अदर डायरेक्टरी से उसके सब डायरेक्टरी में कैसे जाएंगे। तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। तो आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है स्लाइड में। नेक्स्ट है कम आउट फ्रॉम डायरेक्टरीज टू होम डायरेक्टरी दैट इज पेरेंट डायरेक्टरी। तो अब क्या करना है मुझे कि अभी करंटली हम किस डायरेक्टरी में हैं, अभी करंटली हम सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी में है। अब मुझे उस सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी से वापस होम डायरेक्टरी में आना है, जिसको यहाँ पे पेरेंट डायरेक्टरी भी बोलते हैं। तो सब DIR1 डायरेक्टरी से मुझे होम डायरेक्टरी में आना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं टाइप करूँगा CD स्पेस दो बार डॉट और एंटर प्रेस करेंगे। तो सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे। फिर PWD कमांड से चेक कर लेंगे कि करंटली किस डायरेक्टरी में है और इसके बाद CD स्पेस दो बार डॉट एंटर प्रेस करेंगे तो फिर एक डायरेक्टरी से और बाहर आ जाएंगे। और PWD कमांड से फिर हम चेक कर लेंगे कि हम करंटली किस डायरेक्टरी में है। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं कि अभी करंटली हम किस डायरेक्टरी में हैं। तो अभी करंटली हम सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी में है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं PWD कमांड से। तो PWD और एंटर। तो करंटली अभी हम कहाँ पे हैं, सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी में हैं। अब मुझे इस जो डायरेक्टरी है, ये जो सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी है, यहां से बाहर निकल करके मुझे अनिल नाम के होम डायरेक्टरी में आना है, मतलब अपने पेरेंट डायरेक्टरी में आना है। तो मैं क्या करूंगा, टाइप करूंगा CD स्पेस डॉट डॉट और एंटर। तो सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी से मैं बाहर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि अब हम किस डायरेक्टरी में हैं, तो PWD कमांड से चेक करेंगे। तो अब हम जो है DIR1 नाम की डायरेक्टरी में है। अब DIR1 नाम के डायरेक्टरी से भी बाहर आना है तो CD स्पेस दो बार डॉट और एंटर। तो अब DIR1 नाम के डायरेक्टरी से भी बाहर आ गए और अब चेक करते हैं कि अब किस डायरेक्टरी में है। तो PWD एंटर। तो अनिल नाम के होम डायरेक्टरी में है। तो अब जो है हम पेरेंट डायरेक्टरी में आ गए। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से। ये मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है चेंज टू होम डायरेक्टरी। तो यहां पे क्या है कि किसी डायरेक्टरी में चले गए, किसी डायरेक्टरी में चले गए, फिर उस डायरेक्टरी के सब डायरेक्टरी में चले गए। अब मुझे उस सब डायरेक्टरी से डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में आना है।
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करूंगा सीडी स्पेस DIR1, एंटर प्रेस करूंगा तो करंटली हम DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आ जाएंगे। फिर इसके बाद सीडी स्पेस सब DIR1, इसको टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आ जाएंगे। और PWD कमांड से चेक कर लेंगे कि करंटली हम किस डायरेक्टरी में हैं, और इसके बाद ये बताएगा कि सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आप करंटली हो, और इस सब DIR1 से डायरेक्टली मुझे होम डायरेक्टरी पे आना है। तो मैं टाइप करूंगा सीडी स्पेस और ये वाला जो साइन है इसको होम डायरेक्टरी का साइन बोलते हैं, ये आपके कीबोर्ड पे एस्केप वाले बटन से नीचे ये वाला साइन मिलेगा, तो शिफ्ट के साथ ये बटन प्रेस करना है तो ये आ जाएगा, और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्टली होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे, और PWD कमांड से हम चेक कर देंगे कि होम डायरेक्टरी में है या नहीं है। तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में आना है किसी डायरेक्टरी से, तो सबसे पहले किसी डायरेक्टरी में चलते हैं। तो टाइप करेंगे सीडी स्पेस DIR1, ये डायरेक्टरी ऑलरेडी मेरी बनी हुई है, तो एंटर प्रेस करेंगे तो अब मैं DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आ गया। इसके बाद इसके अंदर एक डायरेक्टरी है सब DIR1, उसमें आना है मुझे, तो CD सब DIR1 और एंटर प्रेस करेंगे तो अब सब DIR1 नाम के डायरेक्टरी में आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि अभी करंटली हम किस डायरेक्टरी में है, तो टाइप करेंगे PWD और एंटर, तो करंटली अभी हम सब DIR1 नाम के डायरेक्टरी में है। अब इस सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी से जो है डायरेक्टली मुझे अपने होम डायरेक्टरी पे आना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं टाइप करूंगा CD स्पेस और इसके बाद जो है एस्केप बटन के नीचे जो है होम डायरेक्टरी का साइन है, तो शिफ्ट के साथ जो है उस होम डायरेक्टरी के बटन पे मुझे प्रेस करना है, तो शिफ्ट और होम डायरेक्टरी के बटन पे मैंने प्रेस कर दिया तो ये वाला साइन आ गया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट जो है हम होम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे, तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो डायरेक्ट यहाँ पे हम होम डायरेक्टरी में आ गए, और यहाँ पे PWD कमांड से चेक कर लेंगे। तो अब जो है स्लैश होम स्लैश अनिल का मतलब है कि अनिल नाम के होम डायरेक्टरी पे हम वापस आ गए, तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि चेंज टू रूट डायरेक्टरी। अब किसी भी डायरेक्टरी में है हम और हम चाहते हैं कि हम रूट डायरेक्टरी पे आ जाए, तो रूट डायरेक्टरी का मतलब है कि यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले रूट डायरेक्टरी होती है, उसके बाद डायरेक्टरी होती है, उसके बाद सब डायरेक्टरी होती है। तो करंट मतलब मुझे डायरेक्टली क्या है कि टॉप पे जाना है, यूनिक्स या लाइनेक्स फाइल सिस्टम के बिल्कुल टॉप पे जाना है, रूट डायरेक्टरी पे जाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किसी डायरेक्टरी में जाऊंगा तो सीडी स्पेस DIR1 करके मैं DIR1 नाम की डायरेक्टरी में चला गया, फिर सीडी स्पेस सब DIR1 करके सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी में चला गया। इसके बाद PWD कमांड से मैं चेक कर लूंगा कि करंटली मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, और इसके बाद सीडी स्पेस बैक स्लैश करके एंटर प्रेस करूंगा तो डायरेक्ट मैं रूट डायरेक्टरी पे आ जाऊंगा, और PWD कमांड से एक बार चेक कर लेंगे कि रूट डायरेक्टरी में आए हैं या नहीं है, और इसके बाद फिर हम होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। सीडी स्पेस होम डायरेक्टरी वाला साइन पे क्लिक करके हम डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे, और इसके बाद PWD कमांड से इसको चेक कर लेंगे। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि हमें किसी भी डायरेक्टरी से डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी पे आना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, किसी डायरेक्टरी में जाऊँगा तो सीडी स्पेस DIR1, ये ऑलरेडी डायरेक्टरी मेरी बनी हुई है,
एंटर। तो अब जो है हम DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आ गए। अब मुझे इसके अंदर एक डायरेक्टरी बनी हुई है सब DIR1, उसमें जाना है। तो मैं टाइप करूंगा CD स्पेस सब DIR1 और एंटर प्रेस करूंगा। तो अब मैं आ गया सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी में और ये मुझे चेक करना है। तो PWD कमांड से चेक कर लेंगे। तो ये बता रहा है कि स्लैश होम स्लैश अनिल स्लैश DIR1 स्लैश सब DIR1, इसका मतलब है कि करंटली आप अभी सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी में हो। अब मुझे यहाँ से डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी पे आना है। तो मैं टाइप करूँगा CD स्पेस बैक स्लैश और एंटर। तो अब जो है मैं बिल्कुल रूट डायरेक्टरी पे आ गया और PWD कमांड से चेक कर लेंगे कि अभी करंटली हम किस डायरेक्टरी में हैं। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो इस बैक स्लैश का मतलब ये है कि करंटली आप जो हो अभी रूट डायरेक्टरी पे हो। अब मुझे यहाँ से डायरेक्ट अपने होम डायरेक्टरी में आना है। तो CD स्पेस और शिफ्ट के साथ होम डायरेक्टरी वाले साइन पे क्लिक करेंगे ये और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब मैं डायरेक्टली होम डायरेक्टरी में आ गया और PWD कमांड से इसको चेक कर लेंगे। तो स्लैश होम स्लैश अनिल का मतलब है कि अब आप होम डायरेक्टरी पे हो। तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। ये मैंने क्लियर कर लिया और अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है चेंज टू डायरेक्टरी विद एब्सोल्यूट पाथ स्लैश होम स्लैश अनिल। इसका मतलब ये है कि अब हमें क्या करना है कि अपने होम डायरेक्टरी से किसी अदर डायरेक्टरी में जाना है, बट हमें एब्सोल्यूट पाथ के जरिए जाना है। तो एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये होता है कि जब हम यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहली बार लॉगिन करते हैं तो हम किसी ना किसी डायरेक्टरी में चले जाते हैं। तो वो डायरेक्टरी का जो पाथ होता है वो एब्सोल्यूट पाथ होता है। दैट मीन्स कि यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है रूट से लेकर के करंटली आप जिस भी डायरेक्टरी में हो उस रूट से लेकर के उस करंट डायरेक्टरी तक का पूरा पाथ जो है वो पाथ एब्सोल्यूट पाथ माना जाता है। तो यहाँ पे जब हम PWD कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है स्लैश होम स्लैश अनिल, इसका मतलब ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ है। तो इस एब्सोल्यूट पाथ को यूज करके हमें अपने इस डायरेक्टरी से किसी अदर डायरेक्टरी में जाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टाइप करूंगा CD स्पेस और बैक स्लैश में हमें अपना पाथ देना है रूट से लेकर के करंट डायरेक्टरी तक। तो रूट से लेकर के करंट डायरेक्टरी का जो पाथ है वो है स्लैश होम स्लैश अनिल। ये रूट से लेकर के करंट डायरेक्टरी या होम डायरेक्टरी का पाथ है। और इसके बाद मुझे DIR1 में जाना है। तो बैक स्लैश के साथ DIR1 करके टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्ट DIR1 नाम की डायरेक्टरी में आ जाएंगे। तो इसी को एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। और इसके बाद PWD कमांड से चेक कर लेंगे कि किस डायरेक्टरी में है और फिर CD कमांड से फिर हम होम डायरेक्टरी में चले जाएंगे। यानी कि CD स्पेस और ये होम डायरेक्टरी वाला ये जो साइन है इसको प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्टली होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। और इसके बाद फिर एब्सोल्यूट पाथ को यूज करके अगर हमें किसी अदर डायरेक्टरी में जाना है तो CD बैक स्लैश स्लैश होम स्लैश अनिल, ये तो हमारा रूट डायरेक्टरी का पाथ है, रूट डायरेक्टरी से करंट डायरेक्टरी तक का पाथ है। और बैक स्लैश DIR1 और इसके बाद इस DIR1 के अंदर सब DIR1 है। तो ये मैंने पूरा का पूरा एक पाथ बना दिया है सब DIR1 नाम के डायरेक्टरी में जाने के लिए। तो इसी को एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। तो इससे हम सब DIR1 नाम के डायरेक्टरी में डायरेक्ट चले जाएंगे और PWD कमांड से चेक कर लेंगे कि सब DIR1 नाम के डायरेक्टरी में है या नहीं है। और इसके बाद फिर CD होम डायरेक्टरी करके एंटर प्रेस करेंगे तो हम होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट पाथ को यूज करके अपने होम डायरेक्टरी से किसी अदर डायरेक्टरी में जाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले PWD कमांड को एग्जीक्यूट करके ये चेक कर लेंगे कि हमारा करंट होम डायरेक्टरी क्या है, यानी कि रूट से लेकर के अभी मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ उसका पूरा का पूरा पाथ क्या है। तो PWD एंटर, रूट से लेकर के अभी मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ उसका पूरा का पूरा पाथ है /home/anil। अब मुझे क्या करना है कि इस पाथ को यूज करके किसी अदर डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं टाइप करूँगा CD space और ये /home/anil, ये मेरा एब्सोल्यूट पाथ हो गया। और इसके बाद मुझे डायरेक्ट DIR1 नाम की डायरेक्टरी में जाना है, तो एंटर प्रेस करूंगा तो DIR1 नाम की डायरेक्टरी में मैं आ गया। और /home/anil/DIR1 का मतलब है कि ये पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पाथ बन गया आपका DIR1 नाम की डायरेक्टरी में जाने के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं PWD कमांड से कि DIR1 नाम की डायरेक्टरी में है या नहीं है। तो PWD एंटर, तो ये बता रहा है /home/anil/DIR1, इसका मतलब है कि करंटली आप DIR1 नाम की डायरेक्टरी में हो। अब इस DIR1 नाम की डायरेक्टरी के अंदर भी एक सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी है, तो मुझे एब्सोल्यूट पाथ को यूज करके मुझे उस सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी में जाना है। तो कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले हम होम डायरेक्टरी पे आ जाते हैं, तो CD space ये होम डायरेक्टरी का साइन और एंटर। तो अभी मैं होम डायरेक्टरी में आ गया, और होम डायरेक्टरी में आने के बाद अब मुझे डायरेक्ट सब DIR1 नाम के डायरेक्टरी में जाना है। तो मैं पूरा का पूरा पाथ दे दूंगा यहाँ पे, CD space /home/anil और इसके अंदर DIR1 नाम की डायरेक्टरी है और इसके अंदर सब DIR1 नाम की डायरेक्टरी है। तो ये मैंने पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पाथ दे दिया मैंने सब DIR1 नाम के डायरेक्टरी में जाने के लिए। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मैं आ जाऊंगा सब DIR1 नाम के डायरेक्टरी में। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, और PWD कमांड से चेक कर लेते हैं। तो ये बता रहा है /home/anil/DIR1 /sub-dir1, इसका मतलब है कि करंटली आप अभी sub-dir1 नाम की डायरेक्टरी में हो। अब यहां से मुझे डायरेक्ट अपने होम डायरेक्टरी में आना है, तो CD space home directory का साइन और एंटर प्रेस करेंगे, तो अब मैं डायरेक्टली अपने होम डायरेक्टरी में आ गया। तो PWD कमांड से चेक कर लेते हैं, तो /home/anil ये हमारा होम डायरेक्टरी है। तो क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। तो ये था CD कमांड के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।